राम राम दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हो, आज गांव के अंदर ही सार्वजनिक ट्यूबवेल का निर्माण हो रहा है। गांव में काफ़ी दिनों से ट्यूबवेल तो थी पर लेकिन उसमें पानी कम होने की वजह से पानी की किल्लत चल रही थी, तो आज सार्वजनिक ये ट्यूबवेल का निर्माण गांव में हो रहा है, जिसके कुछ फोटोएँ और वीडियो में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो देखिए आगे ट्यूबवेल किस तरह होती है और ट्यूबवेल होने से पहले जो पूजन की जाती है वो आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो इससे संबंधित एक वीडियो और मैं डालूँगा, तो देखिए पूरा वीडियो। भोले शंकर का ले यार, मैं अठन मुंडो करता अठन पहला सब्सक्राइबर तू ही हमारा पहला।
गांव में पानी की दिक्कत काफ़ी दिनों से चल रही थी और एक विकल्प के रूप में यहाँ अपने गांव के राजकुमार जी शर्मा, इन्होंने पानी की व्यवस्था करी थी गांव में, तो उनसे बात करवाते हैं। देखो आपको अभी मेरे पास है राजकुमार जी, इन्होंने विकल्प के रूप में आप अपने निजी ट्यूबवेल से गांव में पानी की सप्लाई करी थी, तो देखो बात करवाते हैं आपको। गांव में अभी क्या है कि करीबन 5 टंकियां बनी हुई है और एक ट्यूबवेल बिल्कुल फेल हो चुकी थी, एक ट्यूबवेल से सप्लाई पूरी हो नहीं पा रही है। और सबसे बड़ी समस्या जो है वो इस समय लाइट की है, लाइट अभी 3 फेज लाइट 4 घंटे आ रही है, तो एक टंकी में मुश्किल से 4 घंटे में पूरी भरती नहीं है। तो गाँव में हालत ये हो गई थी पानी की, 4 दिन से 7 दिन से पानी आ रहा था, इस भीषण गर्मी में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मेरे क्या है कि यहाँ पे ट्यूबवेल थी, सब्जियाँ वब्जियाँ भी लगाई हुई थी, गाँव वालों की परेशानी को देखते हुए हमने यहाँ से जो लाइन है वो डाल करके और गांव की जो बड़ी वाली टंकी है उसको हर दूसरे दिन हम अभी भर रहे हैं के तौर पर, कि तब तक कोई व्यवस्था नहीं होती तब तक यहाँ से हम भरते रहेंगे और गाँव में पानी की जो व्यवस्था है उस सुचारू रूप से चला रहे हैं। अभी हमारे जिला परिषद से ट्यूबवेल सेंक्शन हुई है, तो आज ये जो मशीन आज ही लगी है, अभी इसका काम चालू है, तो शायद 3-4 दिन में ये चालू हो जाएगी, तो फिर गांव में पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी गांव को। तो आपने सुना और इनका गांव की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस गर्मी में, यानी 45 से 50 डिग्री तापमान है और पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है, तो इन्होंने गाँव में पानी की सप्लाई देकर बहुत बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप गांव वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे युवा साथियों का भी धन्यवाद है कि सभी ने, मेरे अकेले से ये काम नहीं हो पाता क्योंकि पाइप रोज पाइप लगाने हैं, वापस उठाने हैं, तो गांव के जो भी युवा साथी थे उन्होंने पूरा सहयोग किया है, पाइप लगवाने में, पाइप वापस उठवाने में, वहाँ ज्वाइंट करवाने में, सारे कामों में सभी युवा साथियों ने बहुत सहयोग करके इस काम को सफल बनाया है। तो मैं सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस काम में अपनी जिम्मेदारी समझी है। गांव के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि पानी बचाएं, पानी को व्यर्थ ना बहाएं और बूंद बूंद पानी को सदुपयोग करें, पानी का एक एक बूंद का भी पानी बहुत ही कीमती है। एक बार फिर से मैं गाँव वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पानी को बड़े सोच समझ करके इस्तेमाल करें, उसे व्यर्थ ना बहाएं, पानी बहुत ही कीमती चीज़ है, इसे ऐसे ना समझें। धन्यवाद। आज इस गर्मी में आप देखते हो कि कई जगह प्याऊ लगाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं और राजकुमार जी ने पूरे गांव में पानी की सप्लाई ट्यूबवेल में से, अपने निजी ट्यूबवेल से टंकियों में की है और टंकियों से घर घर में वो पानी गया है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।